हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। जब कोई रिजिड बॉडी मोशन करता है तो उसमें हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशंस भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ रोटेशनल मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि जो रोटेशनल मोशन होता है वो टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ टू डायमेंशनल और रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, राइट दोस्तों? चलिए, बिना देरी किए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सब हर किसी के घर में डोर होगा, डोर में कुछ ना कुछ लगे होते हैं, किवाड़ वगैरह जो भी आप कहिए होते हैं। आप देखा होगा कि इसमें एक हैंडल भी लगा होता है यहाँ पर, और ये होता है किसी न किसी यहाँ पर एक एक्सिस होता है जिसको आप कहते हैं। इसके थ्रू आप चाहे तो ऐसे घुमाते हैं, चाहे तो ऐसे घुमाते हैं, इन आइदर वे चाहे तो आप ऐसे भी घुमाते हैं और नहीं तो ऐसे भी घुमाते हैं, दोनों में होता है। तो यहाँ पर जो टॉर्क डिफाइन होता है, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पॉइंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का रोटेशन होगा। पहली बात को एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, रोटेशन का मतलब रोटेशनल मोशन, किसी के अबाउट होता है। जैसे मान लिया कि आपने बचपन में एक खंभे को पकड़ करके गोल 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 घुमा करते होंगे, याद होगा, तो खंभा क्या होगा हमारा? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे अर्थ होता है, अर्थ अपने अक्ष पर घूमता रहता है, तो उसका एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, राइट दोस्तों? ये बात है। तो दरवाजा जो होता है हमारा, वो भी किसी न किसी के अबाउट घूमता है, देखते होंगे यहाँ पर लगे होते हैं, उसी के थ्रू ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो ये जो लाइन हो गया, ये दरवाजे के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा। तो अगर सपोज करिए कि ये दरवाजे का आपका कोई भी वो है, किवाड़ समझ लीजिए, ये है आपका, ठीक है दोस्तों? हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स तो कैसे भी लग सकता है, ऐसे लग सकता है फोर्स, ऐसे लग सकता है फोर्स, ऐसे लग सकता है, ठीक है? तो फोर्स का तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का। अगर हम इसको ऑरिजिन मानते हैं तब, राइट दोस्तों, अगर हम ऑरिजिन इसको मानते हैं तो पोजीशन वेक्टर फिर ये हो जाएगा। और इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि फोर्स इसी तरीके का, हमने बताया कि फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं दरवाजे पर, हम कोई जरूरी नहीं होता कि हम सीधा ही फोर्स लगाते हैं, तिरछा भी लगा सकते हैं हम लेफ्ट या राइट से। तो वो फोर्स हो गया। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट पर और वहां पर उस पॉइंट का जो ऑरिजिन से, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्षमा कीजिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, मतलब पोजिशन वेक्टर उस पॉइंट का, उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, तो वो क्या आता है? टॉर्क आता है या मोमेंट ऑफ फोर्स आता है। इसको हम ग्रीक के एक लेटर टाउ से डिनोट करते हैं। क्या होता है? टाउ, टी ओ यू, एक ग्रीक लेटर है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। अब कहेंगे सर ऊपर आप वेक्टर क्यों लगाए हैं? हाँ तो जी हाँ, हमने पहले ही एलिमेंट्री क्लास में देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। तो जो टॉर्क होता है या मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब कि ये वेक्टर है, दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने पे मिल रहा है, अगेन ये वेक्टर होगा। तो टॉर्क या मोमेंट फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो हम इसके डायरेक्शन की बात थोड़ी देर में करेंगे। उसके पहले आइए हम थोड़ा एक्सप्रेशन समझ लेते हैं कि टॉर्क कैसे निकालें, कैसे इस्तेमाल करें हम टॉर्क का, ठीक है दोस्तों? चलिए तो आइए हम टॉर्क निकालना सीखते हैं। तो सपोज करिए कि P कोई पॉइंट है
और उस पर लगने वाला फोर्स एफ है। पी कोई पॉइंट है और उस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ इस तरीके से, और इस पॉइंट पी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, राइट right? इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था। तो हमने इस पे एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है दोस्तों, एफ फोर्स लगाया। तो जो इसमें डेवलप्ड टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एफ, और जो पोजीशन वेक्टर है आर, एफ आर। अब जरा ध्यान दीजिए, आर और एफ के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो आर को आप थोड़ा आगे की ओर बढ़ाइए और देखिए इनके बीच जो एंगल बन रहा है, सपोज करिए कि वो एंगल फाई है, फाई मतलब एफ और आर के बीच का एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना जानते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, सपोज करिए कि इसका मैग्नीट्यूड एफ है और आर का मैग्नीट्यूड सपोज करिए आर है, तो इसके बीच का एंगल फाई है, तो क्या होता था, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यहाँ फाई है, ये फाई हो, ठीक है। तो ये आ गया टॉर्क, मतलब टाउ बराबर आ गया आपका एफ आर साइन पाई, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, याद रखिएगा ये मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये टोटल फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब ये देखिए, ये जो थीटा एंगल है, ये जो आपका पोजिशन वेक्टर था उस पॉइंट का, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा। अब क्या करिए कि हम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को कुछ और चीजों में डिफाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो आर है ये फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस बन जाए, मतलब ये जो फोर्स लगेगी, ये जो फोर्स होगा, मतलब एक्शन ऑफ फोर्स, पाथ ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से, इसके टर्म में हम मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे था, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस से तो आप कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको क्या करिए, आप पीछे की ओर ले जाइए, आगे की ओर ले जाइए, और रेफरेंस पॉइंट से उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी है, तो देखिए दोस्तों अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल फाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो डी बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ये जब आर है ये फाई है, तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एन पी में, ट्रायंगल ओ एन पी में फाई बराबर हो जाएगा आपका आर अपॉन डी, दोस्तों आर अपॉन डी, तो आर बराबर क्या हो गया, डी साइन फाई, राइट। तो यहां से जो हमारा टाउ था एफ आर, तो टाउ बराबर क्या आ गया, आप डी अपॉन आर होगा, तो यहां से डी बराबर क्या आ गया आपका, सॉरी डी बराबर हो गया आपका साइन फाइव बराबर डी अपॉन आर, तो यहां से डी बराबर हो गया साइन फाइव इंटू आर। अब क्या करिए, आर साइन फाइव की जगह आप डी रख सकते हैं, तो टाउ बराबर क्या आ गया, टाउ बराबर आ गया एफ इंटू डी, मतलब कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, वो इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द रोटेशन ऑफ एक्सिस। दिस इज अगेन द फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। डी कहा, डी जहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। कहां से कहा परपेंडिकुलर कहा है, तो रोटेशन एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये डी की वैल्यू निकल आई। तो हमने निकाल लिया इसका फार्मूला। इस तरीके से हम आप निकाल सकते हैं टॉर्क बराबर डी को हम मोमेंट आर्क भी कहते हैं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, मोमेंट आर्क भी कहा, मोमेंट आर्क भी कहा जाता है। इस तरीके से टॉर्क का डेफिनेशन क्या हो गया, तो टॉर्क इज ए फोर्स मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मतलब कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गया। तो अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात आएगी। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट टेंड्स टू रोटेट इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि उस वक्त मेरा क्या हो जाता है, फाई नेगेटिव हो जाता है। फाई का यहाँ रोल है, तो साइन माइनस फाई माइनस हो जाएगा, मतलब टाउ नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। अब जरा फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और बताइए कि टाउ किन किन बातों पर डिपेंड करता है, टाउ किन किन बातों पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो टाउ दो बातों पर डिपेंड करेगा, कौन कौन, एफ और डी पर। मतलब कि अगर टॉर्क ज्यादा कब होगा, जब फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क लगने का मतलब है सहूलियत, आपको किसी चीज को घुमा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उसको घूमने में या घुमाने में उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आपको आसानी होगी वो चीज करने में, उसी को टॉर्क कहा जाता है। आप किसी चीज को जितना आसानी से घुमा सके वो टॉर्क होता है। चलिए, तो दो बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन बातों पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर देखिए, आपने वेक्टर सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़े होंगे बहुत सारे लोगों ने। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मतलब कि वेक्टर भी दो भागों में रिजॉल्व हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि इस पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सपोज करिए ए वेक्टर आपका ए है और ये कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर दो भागों में रिजॉल्व हो जाता है। सपोज करिए कि ये वेक्टर था ए वेक्टर, तो इसका एक एक्सियल मतलब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में आ जाएगा एक्स, और दूसरा क्या वाई कंपोनेंट ए वाई, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस वेक्टर के। तो इसको कहते हैं वेक्टर का रिजोल्यूशन, रिजॉल्व हो जाना, दो अलग अलग कंपोनेंट में पड़ जाना। दैट मीन्स फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है। भले हमें लग रहा है कि फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जब आप स्पेस में चलेंगे इसका मतलब है कि हम ऊपर भी जा रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और फोर्स इस तरफ भी लग रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो रिजिड मोशन, रिजिड बॉडी का मोशन जो होता है वो रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। इस चीज को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसमें यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो दो कंपोनेंट में बट जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट में बट जाता है, तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है हमारा पॉइंट पी पर वो कौन कौन से दो भागों में बट जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर फोर्स लग रहा था, फोर्स का डायरेक्शन ये था और ये डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन, रेडियस का डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं थीटा का डायरेक्शन है, थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना हमारा, तो ये थीटा का डायरेक्शन है, इसीलिए इस डायरेक्शन को हम एफ थीटा डायरेक्शन कहते हैं और इस डायरेक्शन को एफ आर डायरेक्शन कहते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है, तो हम कह रहे हैं कि एफ थीटा है और एफ आर है, इसका एक स्पेशल नाम है रोटेशनल मोशन के केस में। तो एफ थीटा को ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। और आर को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में है
तो इसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये दो भागों में बट जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये वाला एंगल तो फाई है, तो जरा हम इन दोनों को निकाल लेते हैं कि एफ आर और एफ थीटा क्या होता है। हमने देखा, हमने कहा था शुरू में कि रोटेशनल मोशन में हम सिर्फ रिजिड बॉडी के मोशन में हम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि एफ आर और एफ थीटा आता क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए कि हम एफ आर और एफ थीटा को कैसे निकालेंगे। चलिए सब लोग का ध्यान एक बार यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हमारा क्या है, इस तरीके से रिजॉल्व्ड पार्ट है, एक फोर्स इधर गया है, एक रिजॉल्व इधर गया है, ये एंगल आपका है पाई, राइट दोस्तों। ये है आपका एफ थीटा और ये है एफ आर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये क्या है, एफ थीटा है और ये क्या है, एफ आर है। और ये क्या है दोस्तों, ये एफ है, ठीक है। तो ये अगर हम निकालना चाहें साइन फाइव इस ट्रायंगल में, तो साइन फाइव बराबर क्या होता है, एच बाई पी, ठीक है। तो एच हमारा क्या है, एफ है, हाइपोटेनस। तो क्षमा करिएगा, पी बाई एच होता है। आई एम कंफ्यूजिंग सो मच हियर, ओके सॉरी। तो साइन फाइव इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, साइन फाइव बराबर हो जाएगा आपका एफ आर, मतलब कि साइन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ थीटा। एफ थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एफ थीटा अपॉन एफ, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर एफ थीटा है। तो यहां से जरा एफ थीटा निकालिए तो क्या आ जाएगा, एफ थीटा बराबर आ गया एफ साइन फाइव, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान देकर देखिए कि टाउ के डेफिनेशन में, उससे पहले हम एफ आर ही निकाल लेते हैं। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहां से कॉस फाइव निकालिए, तो कॉस फाइव बराबर हो जाएगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ आर अपॉन एफ, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एफ आर अपॉन एफ। तो यहां से एफ आर बराबर क्या आ गया, एफ कॉस फाइव, ठीक है, मतलब एफ आर बराबर आ गया एफ कॉस फाइव। अब जरा देखिए हमारा जो डेफिनेशन था टाउ का, तो टाउ के डेफिनेशन में क्या आता है, एफ आर साइन फाइव आता है या एफ कॉस फाइव आता है, एफ साइन फाइव आता है। तो टाउ बराबर हम एफ साइन फाइव की जगह आर को आर रहने दीजिए, और एफ साइन फाइव की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी कि घुमाने में ऑब्जेक्ट को, मोमेंट ऑफ फोर्स में सिर्फ किस फोर्स का योगदान है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स का योगदान है, रेडियल कंपोनेंट का कोई योगदान नहीं है। मतलब कि ये वाला फोर्स का कोई रोल नहीं है मोमेंट ऑफ फोर्स में, सिर्फ इस वाले फोर्स का रोल है, एफ थीटा का रोल है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने शुरू में कहा था, यहाँ पर ट्रांसवर्सल सिर्फ फोर्स काम आएगा, रेडियल फोर्स काम नहीं आएगा। तो ये बातें थी मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें हम और बदले हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन वगैरह की। अभी ये चीज मैंने बता दिया कि टाउ बराबर एफ थीटा आर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ फोर्स को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या, तो पोजिशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टाउ इज इक्वल टू एफ थीटा इंटू आर, क्या आ गया आपका, ठीक है, एफ थीटा क्रॉस आर। तो सिर्फ आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट और ये पोजिशन वेक्टर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क ड्यू टू फोर्स,
अब चलिए, हमने जो देखा होगा दरवाजे में, सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो हैंडल लगा होता है, ये इस किनारे पर ही क्यों लगा होता है? आप हैंडल यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? कहेंगे सर जी ना, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम वही लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ नहीं लगाएंगे। तो देखिए, टाउ किस पर डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्टेंस पे। तो रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ज्यादा होगा, मतलब कि दरवाजे को हमें खोलने में उतनी आसानी होगी। इसीलिए हैंडल को दरवाजे एज किनारे पर लगाया जाता है, कहीं बीच और एक्सिस की तरफ नहीं लगाया जाता है। मतलब अगर डी या आर मैक्सिमम होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब कि हमें सहूलियत होगी, मैक्सिमम तो नहीं होगा टी, लेकिन हमें सहूलियत होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा होता है हमारा जन। तो अब मान लीजिए, सॉरी साइन थीटा नहीं, सही फाई। अब सपोज करिए कि हम दरवाजे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप जा रहे हो सीधे दरवाजे में फोर्स लगा रहे हो एकदम, मतलब कि साइन फाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब कि अगर फोर्स लगा रहे हो तो फाई 90 डिग्री, साइन फाई मतलब 90, साइन 90 मतलब 1, मतलब एफ इंटू आर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब टाउ जो होगा एफ आर के बराबर होगा, और किसी भी एंगल के केस में टाउ एफ आर के बराबर नहीं, मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू है जो आप एफ डी या एफ आर कह रहे हो, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। कब होता है? जब साइन फाइव मैक्सिमम होता है, मतलब फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब आप दरवाजे पर एकदम सीधा जाकर के फोर्स लगाएंगे तो आपको बहुत जल्द दरवाजा खुल जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन फाई अगर 0 होगा, मतलब कि आप ये दरवाजा है सपोज करिए, इस ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, साइन 0 0, कोई टॉर्क, हो सके दरवाजा खुले ही ना। और मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन से खोले तो साइन 90 डिग्री नेगेटिव आ जाएगा, इस केस में भी कोई मोमेंट ऑफ फोर्स लागू नहीं होगा, मतलब कोई अफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, राइट दोस्तों? तो ये बात है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि टॉर्क क्या है, एक टॉर्क एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। दोस्तों हम लोग एक यूनिट की बात करना भूल गए, टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर, या एफ इज इक्वल एफ इंटू डी। तो एफ का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसका आप निकाल लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, न्यूटन का लिख लीजिए, एफ का लिख लीजिए, बहुत सिंपल है दोस्तों, करके बताइए हमें कमेंट में कि क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। चलिए हम वेक्टर की बात, डायरेक्शन की बात करते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे हमने देखा था, सपोज करिए कि आप फोर्स लगा रहे हो, ये प्लेन है कोई, इस प्लेन में कोई दो फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए कि वो, अब इसी फिगर में, इसी फिगर से काम चला लेते हैं। सपोज करिए कि एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रोटेट करेगा, सिंपली स्क्रू का डायरेक्शन देख सकते हैं, स्क्रू इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रोटेट करेगा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो हम जानते हैं कि क्या होता है, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन क्या होता है। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा वही इसका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर में कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। मतलब कि अगर फोर्स और डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन में हो तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा जेड एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना दोस्तों? ये बात है, आप इसको पढ़ ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है।
हम टॉर्क को और ही बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हैं। कैसे सिंपल वे में लिख सकते हैं? तो और रिजॉल्व करके लिख सकते हैं हम। कैसे रिजॉल्व करके लिख सकते हैं? तो टॉर्क एफ क्रॉस आर होता है, तो एफ में तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई और जेड, इनटू आर के भी एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर्स होंगे, तो एक्स वाई जेड आप इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट मीन्स आई जे के एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एक्स वाई जेड, इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, वही आपका टाउ बताएगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, यहाँ जो वाई कंपोनेंट आएगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा, यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन आएगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स का जेड कंपोनेंट होगा। दोस्तों इसमें आई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट्स और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट आएगा, तो आई वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ टॉर्क, एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क होगा, जे वाला वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, और के वाला जो के का कोएफिशिएंट होगा वो जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो एक हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेते हैं यहीं पे छोटा सा। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर टू ओपन अ डोर, अ बॉय अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन इट्स हैंडल इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डोर। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्ट एज अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द हिंग्स फाइंड द टॉर्क। तो नॉर्मल है मतलब फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क बराबर होता है एफ आर साइन फाई। तो साइन फाई, साइन 90 डिग्री, तो ये हो गई 1 न्यूटन की वैल्यू दी गई है 50 न्यूटन, डिस्टेंस दिया गया है 0.6 मीटर, तो आप निकाल लीजिए 30 न्यूटन के बराबर, न्यूटन मीटर के बराबर टॉर्क आ गया हमारा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, मोमेंट का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे काम करता है, चलिए उसका क्या प्रिंसिपल है उस पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।